अक्सर हमारे घरों में एलईडी लाइटें ख़राब हो जाती हैं, तो उसको नए तरीके से कैसे बनाएं ताकि रोशनी में हमें ज़्यादा मिले। तो जैसे ये एलईडी बल्ब है, अक्सर ये ख़राब हो जाते हैं तो फिर हमें नए लेने पड़ते हैं, और सम टाइम तो ये 1 ईयर निकालते भी नहीं है, 1 ईयर की हमें वारंटी मिलती है। इसका रेट हमें क्या मिलता है मार्केट के अंदर से, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई की वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अभी बात कर रहे थे एलईडी बल्ब की, तो एलईडी बल्ब 220 रुपये का, 250 का, 180 रुपये का, मुख्तलिफ वाट के हिसाब से मुख्तलिफ बल्ब हमें एलईडी बल्ब मार्केट से मिलते हैं। लेकिन क्या ऐसा मैं आपको तरीका बताऊँ कि सिर्फ 60-70 रुपये में हमारा काम हो जाए और एलईडी बल्ब से भी रोशनी भी ज़्यादा हो जाए? तो सिंपल है, ये आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। आपने बहुत सारी जगहों पे इस तरह की एलईडी प्लेटें लगी हुई देखी होंगी, और आज भाई आपको सिखाएगा बहुत आसान तरीके से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी काम है। ले जी, ये मेरे पास हीट सिंक है, हीट सिंक भी मार्केट के अंदर से मिल जाती है, और इसके लिए हमें चाहिए एक प्लेट, एलईडी प्लेट ये आ गई। इसके साथ हमें एक ये चाहिए गिलू इसे चिपकाने के लिए, और हमें क्या चाहिए था, दैट्स इट, बस जी यही कुछ था हमारे पास, यही लाइट हमारी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए लाइट बनाना शुरू करते हैं। एक ड्राइवर अलग से मिलता है लाइट का, लेकिन ये वाला ड्राइवर इस प्लेट के ऊपर ही बना हुआ है, तो इसको सिर्फ हमने 2 कनेक्शन देने हैं। कनेक्शन देखें, यहाँ पर लिखा होगा N और L, L का मतलब है लाइन और N का मतलब है न्यूट्रल। लाइन का मतलब गर्म तार जिसे आम जुबान में बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव, और N का मतलब नेगेटिव, न्यूट्रल, ठंडी तार। जौन सी मर्जी आप तारें लगा दें, क्योंकि एसी के अंदर कोई न्यूट्रल कोई लाइन नहीं होती, आपने सिर्फ कनेक्शन लगा दिया तो वो खुद ही कनेक्शन चलता रहेगा। वो इसलिए चलता है एसी के अंदर क्योंकि एसी 1 सेकंड के अंदर 60 दफ़ा अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा होता है, कभी वो नेगेटिव बन रहा होता है, कभी पॉजिटिव बन रहा होता है एक ही लाइन के ऊपर। और ये कब ये चेंज करता है, जब इसके आगे हम कोई डिवाइस चलाते हैं। ये मैंने होल किया था, होल आप किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकते हैं या ड्रिल मशीन से कर सकते हैं, तो बिल्कुल हल्की प्लेट है, इजीली इसके अंदर होल हो जाता है। हीट सिंक का काम क्या है, हीट सिंक का काम ये होता है कि ये जो लाइट है ये गर्मी पैदा करती है, तो जो अगर इसके नीचे हीट सिंक नहीं लगी होगी तो इसकी ये जो छोटी एलईडी होती हैं ये जल जाती हैं, हीट की वजह से जलती हैं। अगर नीचे हीट सिंक लगा होगा तो ये इस प्लेट, ये वाली प्लेट हमारी इस प्लेट को ठंडा रखेगी, तो उसकी वजह से एलईडी जो हमारी लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहती हैं। सिंपल है जी, इसको तारों को मैं इसके अंदर से गुजार दूंगा, ज़रूरी नहीं है आप होल करें इसके अंदर, होल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहाँ पे कनेक्शन लगा के तारें इधर से भी लेके जा सकते हैं। मैंने ज़रा नीचे से इसलिए लगा दिया ताकि सफाई लगे, सफाई के लिए मैंने नीचे से लगाया इसको। ये जी हो गया, अब इसको लगाएंगे हम ये एल्फी, तो एल्फी लगाने के लिए मैं नीचे लगा दूंगा इसको सारी साइड पे। एल्फी लगा के आपने थोड़ी देर के लिए ऊपर से इसे प्रेस करके रखना है, यूँ ये थोड़ी देर के लिए हम प्रेस करेंगे। नहीं जी, प्लेट हमने इसके ऊपर लगा ली है, अब सिंपल इस तारों को छीलेंगे। ये कटर की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से भी छील सकते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से सारी तारें हार्ड हुई पड़ी हैं, हालाँकि ये बिल्कुल बारीक ऑटो वायर है। हाँ जी, इस तरीके से आपने तारों को छील लेना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हम ख़रीदने जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहना कि हमें प्लेट दे दें 18 वाट की, 20 वाट की, 12 वाट की, 14 वाट की, 16 वाट की, तो उससे कहना कि जिस प्लेट के ऊपर ही ड्राइवर बना हुआ है वो दे दें, ये प्लेट के ऊपर ही ड्राइवर बना हुआ है। ड्राइवर का काम क्या है, इन लाइटों को ड्राइव करना, मतलब इन लाइटों को चलाना। तो अलग से ड्राइवर भी मिलते हैं और ऊपर लगा भी मिलता है, तो ये अगर लग से लेते हैं तो वो भी बहुत सिंपल तरीका है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा, बहुत इजी काम है। तो चलें अब इसको टेस्ट करते हैं, लाइट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। लें जी, टेस्ट करने के लिए ये मैं सीरीज बल्ब के साथ इसको टेस्ट करूँगा, सीरीज बल्ब के साथ इसलिए टेस्ट करते हैं कि अगर कोई सर्किट शार्ट हुआ तो पीछे से बल्ब जल जाएगा, मतलब धमाका नहीं होगा घर के अंदर। तो सीरीज बल्ब कैसे बनाते हैं ये भी इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, बहुत आसान है इसको बनाना। बटन को मैंने किया ऑन, अब इसके ये दोनों को जोड़ूंगा तो बल्ब हमारा चल रहा है, ये देखें, ये देखें, ये इसको शॉर्ट करना है तो पीछे से बल्ब चल पड़ेगा, अगर पीछे बल्ब ना होता तो धमाका हो जाना था,
इस सीरीज सर्किट के साथ हमारे बहुत सारे सर्किट टेस्ट होते हैं। तो चलें लाइट को टेस्ट करते हैं और ये चेक करें कितनी तेज रोशनी है। और ये जो रोशनी है हमारे एक 18 वाट के एलईडी बल्ब से ज्यादा तेज ये वाली रोशनी है। ठीक है, ये चेक करें। अभी हम रूम लाइट ऑफ करके इसकी रोशनी चेक करते हैं कि छत के ऊपर लगकर वापस रिवर्स कितनी रोशनी आती है इसकी। ये मैंने रूम लाइट ऑफ कर दी है, अब इसको ऑन करूंगा, ये चेक करें। और इस प्लेट को उठाना पड़ेगा, ये देखें, ये हमारी एलईडी बल्ब की रोशनी, चेक करें। ये हमें मिलेगी कितने की? 50 रुपए की। ये जो ऊपर मैंने प्लेट लगाई और ये जो नीचे मैंने लगाया ये 10 रुपए का मुझे मिल गया था हीटसिंक, और इसके ऊपर लगा के 50 और 10 60 रुपए की हमारी लाइट रेडी है लगाने के लिए। और क्या चाहिए, 60 रुपए में इतनी ज़बरदस्त लाइट मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मूवमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।